फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में इनडायरेक्ट मेथड देखेंगे, जिसमें सबसे पहला मेथड है गॉस जेकोबी मेथड। इस गॉस जेकोबी मेथड की हेल्प से आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं तीन इक्वेशंस, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इन तीन इक्वेशंस के अंदर जो वेरिएबल पार्ट है वो है x1, x2 एंड x3। इन तीनों की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे गॉस जेकोबी मेथड से। तो स्टेप वन क्या है? स्टेप वन है अरेंज द इक्वेशंस इन डायगनली डोमिनेंट फॉर्म। सबसे पहले स्टेप में आपने, अगर आपको इक्वेशंस गिवन है, तीन इक्वेशंस या चार इक्वेशंस, तो सबसे पहला आपका स्टेप रहेगा अरेंज करना होगा इक्वेशंस को डायगनली डोमिनेंट फॉर्म में। अब डायगनली डोमिनेंट फॉर्म क्या होती है? इन तीन इक्वेशंस के अंदर जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो है a1, b2 एंड c3। x1 का कोएफिशिएंट a1, x2 का कोएफिशिएंट b2 एंड x3 का कोएफिशिएंट c3। ये तीनों डायगनल एलिमेंट्स हैं। इन तीनों एलिमेंट्स को सबसे बड़ा होना होगा, मतलब इन तीनों की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए। तो उसकी क्या कंडीशन है इन तीनों की वैल्यू ग्रेटर होने के लिए? कंडीशन है जो a1 एलिमेंट होगा उसका मॉड्यूलस, मतलब कि अगर a1 की वैल्यू नेगेटिव है तो आप उसे पॉजिटिव वैल्यू ही मानेंगे। इस मॉड्यूलस के अंदर कभी भी आप मॉड वैल्यू के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। ऐसे ही b1, c1 नेगेटिव वैल्यू हम नहीं मानेंगे, हम पॉजिटिव वैल्यू मान के चलेंगे। मान लीजिए अगर आपको इस इक्वेशन में a1 -2 गिवन है और b1 भी -3 गिवन है, तो हम माइनस हटा देंगे, उसकी वैल्यू 2 काउंट होगी और इसकी वैल्यू भी 3 काउंट होगी। हम नेगेटिव साइन नहीं देखेंगे इस केस में। तो कंडीशन ये है कि a1 ग्रेटर होना चाहिए इन दोनों के सम से, मतलब b1 को अगर हम ऐड करें c1 के साथ, b1 की एडिशन होगी c1 के साथ, ये दोनों अगर ऐड होते हैं तो इसकी वैल्यू इन दोनों से बड़ी होनी चाहिए, इन दोनों के सम से बड़ी होनी चाहिए। ऐसे ही इस एलिमेंट के लिए भी ये जो एलिमेंट होगा, जो मिडल में होगा डायगनल एलिमेंट के, उसको ग्रेटर होना होगा इन दोनों के सम से। ऐसे ही आपने थर्ड एलिमेंट को, जो डायगनल एलिमेंट्स है c3 एलिमेंट को, इन दोनों के सम से ग्रेटर होना होगा। तो ऐसे ये हमारा स्टेप वन रहेगा वर्किंग रूल में, अरेंज करना होगा इक्वेशंस को डायगनली डोमिनेंट फॉर्म में इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो स्टेप टू देखते हैं। इक्वेशंस को डायगनली डोमिनेंट फॉर्म में करने के बाद स्टेप टू है सॉल्व द इक्वेशंस फॉर x1, x2 एंड x3। फ्रेंड्स, उस उन इक्वेशंस के अंदर जितने भी वेरिएबल पार्ट्स होंगे, वेरिएबल होंगे, उनको आपने सॉल्व करना होगा, इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी उसके लिए। कैसे? ये पहली इक्वेशन है हमारी, इस केस में x1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इस सेकेंड इक्वेशन से x2 की वैल्यू निकालेंगे एंड x3 के लिए इस थर्ड इक्वेशन से। तो क्या करेंगे इस केस में, ये दो टर्म्स राइट साइड हो जाएंगी, चली जाएंगी, तो यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएंगे एंड x1 के लिए यहाँ ये a1 मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारी x1 की इक्वेशन आई, ये है इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही x2 के लिए भी करना है, x2 के लिए ये बाकी दो टर्म्स राइट साइड चले जाएंगे। तो सॉल्व करा तो हमने आया इक्वेशन 2, ये x2 की इक्वेशन है और ये x3 की इक्वेशन है। तो फ्रेंड्स, ऐसे आपने सेकंड स्टेप में इक्वेशंस फाइंड आउट करनी होगी वेरिएबल्स के लिए। स्टेप 3 देखते हैं। फ्रेंड्स, स्टेप 3 है परफॉर्म इटरेशंस। इस स्टेप में आपने इटरेशंस परफॉर्म करनी होगी। इटरेशन 1 में जितने भी वेरिएबल्स आपको उस इक्वेशन में हैं उनकी वैल्यू 0 पुट करनी होगी। तो पहले स्टेप में x1, x2, x3 की वैल्यू 0 पुट होगी। देखिए, ये x1 इक्वेशन है, इस x1 इक्वेशन के अंदर यहाँ पर x2 है और x3 है, तो इसके लिए आपने 0 पुट करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर x1, x3 के लिए 0 पुट होगा तो वैल्यू आएगी कुछ x2 की, यहाँ पर सॉल्व करके कुछ x1 की वैल्यू आएगी एंड x3 की वैल्यू आएगी। अभी तो यहाँ पर हमारे कोएफिशिएंट्स a1, d1, b1 है और c1 है, तो अभी इसको हम नहीं देखते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हमारी वैल्यूज आती रह जाएंगी x1, x2 एंड x3 के लिए। तो कुछ x1 की वैल्यू आएगी पुट करने पर, कुछ x3 की आएगी एंड x3 की वैल्यू आएगी। देन इटरेशन 1 के बाद जो न्यू वैल्यूज होंगी वो आप ऐसे डिनोट करेंगे कि x1 की जो न्यू वैल्यू है
उसे ऊपर आप 1 लगा देंगे क्योंकि वो इटरेशन 1 की वैल्यू आएगी x1 के लिए. ऐसे ही x2 की वैल्यू जो आएगी वो इटरेशन 1 की वैल्यू होगी, x3 के लिए जो वैल्यू होगी वो भी इटरेशन 1 के लिए वैल्यू होगी. अब इटरेशन 1 में हमने 0 0 पुट किया इक्वेशंस के अंदर. अब जो इटरेशन 2 होगी उसमें हम ये जो न्यू वैल्यूज हमारी इटरेशन 1 से आई है वो हम पुट करेंगे इटरेशन 2 की इक्वेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. फिर तो इटरेशन 1 की जो वैल्यूज आई हैं वो हम पुट करेंगे x1 x2 x3, मतलब उन इक्वेशंस के अंदर जो इक्वेशन 1 2 एंड 3 है. पुट करने के बाद हमारे पास कुछ न्यू वैल्यूज आएंगी x1 x2 x3 के लिए. अब इसके ऊपर भी हम डिनोट करेंगे 2, क्योंकि जो हमारी न्यू वैल्यूज है वो इटरेशन 2 की वैल्यूज है. क्वेश्चन देखते हैं गॉस जैकोबी मेथड से. क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय गॉस जैकोबी मेथड, करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ओनली. अब इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है गॉस जैकोबी मेथड से, लेकिन उसको करेक्ट करना होगा 2 डेसिमल प्लेसेस तक. मतलब एक वैल्यू आपकी जो आएगी वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप उसे राउंड ऑफ करते हुए चलेंगे. और 3 इक्वेशंस हमें गिवन है. फर्स्ट, रीअरेंज द इक्वेशन सो दैट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज डायगोनल डोमिनेंट. सबसे पहले आपने रीअरेंज करना है इक्वेशंस को ताकि इक्वेशंस डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म में दिखे. ये हमारा स्टेप 1 था. वर्किंग रूल में स्टेप 1 यही है कि आपने इक्वेशंस को अरेंज करना होगा डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म में. तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, x1 x2 x3. पहली जो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन में x1 का जो कोएफिशिएंट होना चाहिए वो इन दोनों के सम से ग्रेटर होना चाहिए. हम यहाँ पे माइनस साइन नहीं देखेंगे क्योंकि माइनस हम नहीं मानते इस केस में. जो भी वैल्यू होती है वो मॉड के साथ हमें मिलती है. क्या 10 प्लस 1 की वैल्यू ऐड करके 4 से 4 क्या बड़ा होगा उससे? नहीं. तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट प्लेस पे नहीं रह सकती. सेकेंड इक्वेशन देखते हैं. सेकेंड इक्वेशन के लिए x1 का कोएफिशिएंट यहाँ 5 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है. 1 प्लस 1 2 होगा, जो कि कभी बड़ा नहीं होगा 5 से. 5 हमेशा ग्रेटर होगा 2 से. तो ये वैल्यू, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगी. तो देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट प्लेस पर सेकेंड इक्वेशन को लिख लिया है. अब सेकेंड है, सेकेंड एलिमेंट के लिए जो यहाँ पर दोबारा से ऊपर से स्टार्ट करेंगे. यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 10 है. 10 और 4 को ऐड करेंगे तो ये छोटा ही रहेगा. सेकेंड इक्वेशन, ये तो हमारी फर्स्ट प्लेस पे जा चुकी है. तो इस वाले को देखते हैं. 2 और 1, 8 बड़ा होगा हमेशा 3 के एडिशन से. तो 2 और 1 के एडिशन से तो 8 आ गया हमारा. तो ये हमारा, इसका मतलब ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी सेकेंड प्लेस पर. तो जो बची हुई इक्वेशन है उसे थर्ड प्लेस पे कर लेंगे. थर्ड प्लेस पर करने का भी यही है, ये 10 जो है ग्रेटर होगा इन दोनों के सम से. तो ऐसे हमने रीअरेंज कर लिया है इक्वेशंस को. इक्वेशंस को रीअरेंज करने के बाद स्टेप सेकेंड है x1 x2 एंड x3, इन तीनों के लिए इक्वेशंस फाइंड आउट करने हैं. तो देखते हैं इक्वेशंस. फर्स्ट इक्वेशन में 5x1 माइनस x2 प्लस x3, ये x2 एंड x3 राइट साइड चले जाएगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे एंड 5 यहाँ आ जाके डिवाइड में आ जाएगा. तो ये हमारी x1 की इक्वेशन आई, ये x2 के लिए इक्वेशन आई और ये x3 के लिए. नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. अब फ्रेंड्स, थर्ड स्टेप है इटरेशंस. इटरेशंस आपने परफॉर्म करनी है. तो सबसे पहला इटरेशन 1 में जितने भी वेरिएबल्स हैं उसमें इक्वेशन के अंदर 0 वैल्यू पुट कर लेंगे. तो हम लिखेंगे पुट x1 इक्वल्स टू 0, x2 इक्वल्स टू 0 एंड x3 इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1 2 एंड 3. तो पुट करते हैं. पहली इक्वेशन के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ 0 और 0. अब यहाँ पर हमने x1 के ऊपर क्या लिखा है, 1. दैट मीन्स कि जो न्यू वैल्यू आएगी वो इटरेशन 1 की वैल्यू होगी. 0 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आई 2.80. हमारे पास वैल्यू आई थी 2.8, लेकिन हम इसको 2.80 लिखेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला था कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें वैल्यूज लिखनी होगी. तो ये हमारी x1 की वैल्यू आई. अब x2 के लिए भी वैल्यू निकालेंगे, 0 पुट कर लेंगे x3 एंड x1 की जगह पे. तो यहाँ पर आया -7, -7 के डिवाइड करेंगे 8 से
तो वैल्यू आई -0.875। फ्रेंड्स यहाँ पर दो डेसिमल प्लेस तक वैल्यू चाहिए तो हम इसे राउंड ऑफ करेंगे। जब भी वैल्यू 5 इस 8 और 7 तक हमें वैल्यू चाहिए तो 7 के बाद कितना है 5 है। अगर 5 से छोटी वैल्यू होती 1, 2, 3, 4 तो इस 7 में हम कुछ ऐड नहीं करते। अगर इसके बाद 5 या 5, 6, 7, 8, 9 तक वैल्यू होती, यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9 होता तो हम हमेशा इसके आगे वाले वैल्यू में एडिशन देंगे एक का, तो ये हो गया 8। तो ऐसे हमारी x2 की वैल्यू आई -0.88। अब x3 की वैल्यू निकालेंगे ऐसे ही तो वैल्यू आ गई 2.10। तो फ्रेंड्स ये हमारी न्यू वैल्यूज़ हैं x1, x2 एंड x3 के लिए इटरेशन 1 की। अब इटरेशन 2 करेंगे। अब हम इटरेशंस कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारी पिछली इटरेशन की वैल्यू सेम ना हो जाए आगे वाली इटरेशन की वैल्यू से। जैसे मेरा यहाँ पे x1 की वैल्यू आई 2.80 इटरेशन 1 में, अब जो न्यू वैल्यू आने वाली है वो है 2.20। तो इस केस में हम वैल्यूज़ देखेंगे कि क्या सेम हुई वैल्यू, नहीं हुई तो हम आगे एक और इटरेशन 3 में जाएंगे। फिर अगर इटरेशन 2 और इटरेशन 3 की वैल्यू सेम आती है तो हम उसे वहीं पर ड्रॉप कर लेंगे, वो हमारी फाइनल वैल्यूज़ होंगी। तो ऐसे इटरेशन कब तक करते रहेंगे, जब तक वैल्यूज़ दो इटरेशन की सेम ना हो जाए। तो इटरेशन 2 देखते हैं, पुट x1 इक्वल्स टू दिस। अब हमारे पास जो न्यू वैल्यू आई है x1 की वो ये है, वो हम यहाँ पुट करेंगे उन इक्वेशंस के अंदर, तो हमारी न्यू वैल्यूज आएंगी इटरेशन 2 के लिए। तो पुट करते हैं, देखिए यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या आई पुट करने से 2.204, राउंड ऑफ कर लेंगे तो वैल्यू हो गई 2.20 एंड हमारी x2 की वैल्यू आई -1.31, इसे भी हमने राउंड ऑफ किया है। तो अब हमारी x3 की वैल्यू आई, वही वैल्यूज पुट करने के बाद 3.308, राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये आई 3.31। हमने राउंड ऑफ कैसे किया, यहाँ 8 है मतलब 5, 6, 7, 8 वैल्यू होगी 9 तक, तो आपने यहाँ पर एक एडिशन देना है, तो यहाँ पर ये 0 से 1 हो गया। इटरेशन 3 भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वैल्यूज़ अभी भी सेम नहीं आई हैं, तो जो न्यू वैल्यूज़ आई हैं इटरेशन 2 की वो हम पुट करेंगे नई इक्वेशंस उन्हीं इक्वेशंस के अंदर। न्यू वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास x1 की इटरेशन 3 के लिए वैल्यू आई है 1.88 एंड x2 के लिए आई है -1.01 एंड x3 के लिए आई है 3.11। फ्रेंड्स देखिए अभी भी हमारी वैल्यू सेम नहीं आई है। x1 के लिए पहले वैल्यू थी 2.20 और अब हो गई 1.88। तो अभी हम इटरेशन 4 भी करेंगे। इटरेशन 4 की वैल्यूज़ के लिए इटरेशन 3 की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इक्वेशंस के अंदर, तो पुट करते हैं वैल्यूज़। देखिए फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमने यहाँ वैल्यू पुट करी है -1.01, तो हमारी इटरेशन 1 की वैल्यू आई x1 की वैल्यू आई 1.98, x2 की वैल्यू आई -0.96 एंड x3 की वैल्यू आई 2.95। अभी भी हमारी वैल्यू सेम नहीं आई हैं तो हम इसे एक और इटरेशन के लिए कंटिन्यू करेंगे। इटरेशन 5 में हमने इटरेशन 4 की वैल्यूज़ पुट करनी है, तो वैल्यूज़ देखते हैं क्या आएंगी। वैल्यूज़ आई 2.018, यहाँ पर इसे हम राउंड ऑफ करेंगे तो हो गई 2.02 एंड x2 की वैल्यू आई -1.00। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने x3 को डायरेक्ट सॉल्व कर लिया है तो x3 की वैल्यू आ गई है 2.99। तो ये हमारी तीन वैल्यूज़ आई x5 के लिए इटरेशन 5 के लिए। इटरेशन 5 की वैल्यूज़ अभी भी नहीं सेम है इटरेशन 4 की वैल्यूज से, तो हम इसे एक और बार कंटिन्यू करेंगे इटरेशन 6 के लिए। इटरेशन 6 में इटरेशन 5 की वैल्यूज़ पुट करके वैल्यू आई x1 की 2.00, x2 के लिए आया -1.00 एंड x3 के लिए आया 3.00। अभी भी ये वैल्यूज़ अभी सेम नहीं हुई है, x2 की सेम हो गई है लेकिन x1 और x3 की सेम नहीं है, तो एक और इटरेशन देखते हैं। तो अब हमारी इटरेशन 7 की वैल्यूज़ आएंगी x1 2.00 जो कि सेम हो गई इटरेशन 6 की पहली वैल्यू से, x1 की वैल्यू से। देन x2 की वैल्यू पुट करने पर, x2 की इक्वेशन में पुट करने पर वैल्यू आई
-1.00 जो कि सेम हो गई फिर से। अब x3 की वैल्यू देखते हैं, अगर x3 की वैल्यू 3.00 आती है तो इसका मतलब हम उसे वहीं पर स्टॉप कर देंगे एंड वो हमारी जो फाइनल वैल्यूज है वो हमारा आंसर हो जाएगा। x3 की इक्वेशन के अंदर हमने पुट करी वैल्यूज तो हमारी वैल्यू आई 3.00। तो फ्रेंड्स ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वैल्यूज आप लिख लेंगे, जो x1 की वैल्यू है फाइनल वो है 2.00 -1.00 x2 की एंड x3 के लिए 3.00। तो ये हमारी वैल्यूज हो गई हैं फाइनल। तो फ्रेंड्स ऐसे आपने गॉस जेकॉबी मेथड के लिए सॉल्यूशन करना होगा स्टेप वाइज। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।